The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आज हम स्विट्जरलैंड में हैं। स्विट्जरलैंड को दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आज आप देख रहे होंगे कि हम किस शहर में हैं। हम आज हैं स्विट्जरलैंड के फ्रैंकफर्ट शहर में, और आप देख रहे होंगे पीछे कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो पीछे है ग्लेशियर, और जिस ऊंचाई पे हम खड़े हुए हैं उसकी जो ऊंचाई है लगभग 11,300 फीट उसकी ऊंचाई है। तो आज हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे, और आप पीछे देख रहे होंगे कि बर्फ कितनी है यहाँ पे और बर्फ कौन सा ग्रह होती है। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब। आज हम जिस जगह पे हैं वो है ग्लेशियर और स्विट्जरलैंड, जो दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, जिसको वैसे हमारे इंडिया में भी है, जो श्रीनगर को हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, पर जहाँ और यहाँ पे आने का अलग सा ही स्वाद है और अलग सा ही मजा है, और इतनी बर्फबारी में आना मायने रखता है। मुझे लगता है कि आप एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर की गिनती में हैं जो आगे हैं। तो प्रोफेसर साहब, आज मैं आपसे पूछूंगी, जो हमारे आसपास देख रही हूँ वो है बर्फ। तो बर्फ जो होती है वो कौन सा ग्रह होती है? तो आज आपसे जानेंगे कि बर्फ, मैंने तो अभी तक सुना है कि शुक्र ग्रह होती है, लेकिन प्रोफेसर से जानेंगे कि ये कौन सा ग्रह होता है। बिल्कुल सही पूछा शिफाली जी आपने। आपने पूछा बर्फ कौन सा ग्रह होती है। जो बर्फ होती है ये शीत लहर से बनती है। शीत लहर जो होती है वो होता है शनिदेव, और जो बर्फ शनि से ही मानी जाती है, शनिदेव से। लेकिन मैं आप सबको ये समझा दूं, जब तक ये शनिदेव तो होती है बर्फ, लेकिन अगर वाइट आ जाए, जैसे कि ग्लेशियर वाइट बना हुआ है, सुंदर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव इसमें पड़ रहा है। और जब कभी शुक्र और शनि का मेल होता है तो आप सब जानते ही हैं कि शुक्र और शनि के मेल से क्या होता है। अरे भाई, जिसकी कुंडली में शुक्र और शनि का मेल होता है बदनामी मिलती है। लेकिन वो अलग बात है कि कौन सी राशि में बैठा है, कौन से लग्न में बैठा है, वो अलग बात है। आज हम बात करेंगे कि बर्फ बर्फ कौन सा ग्रह होती है। बर्फ का मिश्रण तीन ग्रहों से बनता है। अगर बर्फ पिघल जाती है तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड चंद्र से आता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग शुक्र से आता है, और जिसे हम वीनस बोलते हैं, और जो बर्फ शीतलहर है शीतलहर शनिदेव से आती है। और जो शनिदेव है, ये कहते हैं ना, चलो जाते जाते एक सीक्रेट जरूर बताऊंगा मैं आप सबको, लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब में पानी डालते हैं। आपको पता है शराब में पानी, पानी का मिश्रण शराब क्या होती है? शराब होती है शनिदेव। ऊपर से पानी डाल दिया, वो डाल दिया चंद्र, चंद्र, और इसके इसमें क्या होता है, खून का पतलापन होना शुरू हो जाता है, जिसमें खून में क्लाउड जमने शुरू हो जाते हैं। जब कभी क्या करते हैं, शनि में जब हम सोडा डालते हैं, सोडा पता क्या होता है? सोडा राहु का मिश्रण होता है, राहु और चंद्र का मिश्रण होता है। ये बहुत से मिश्रण है, ये जो लोग शराब पीते हैं कि कैसे पीनी चाहिए ये भी नहीं लोगों को पता। चलो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हर लोग, जितने भी लोग हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। कई दफ़ा देखा होगा आपने, जो फॉरेन के लोग हैं ज़्यादातर शराब में ओनली बर्फ डालते हैं। शराब भी शनि है और जो बर्फ है वो भी शनि है। अगर वो ऐसे करके पीते हैं तो क्या होता है, इसमें बीमारी नहीं लगती। लेकिन दारू का मतलब होता है दवा, यानी कि शराब का मतलब होता है दवा। आपको पता है जितने भी ज़्यादातर डॉक्टर हैं हमारे, वो लिक्विड चाहे एक चमचा चाहे आधा चमचा जरूर लेते हैं। चलो ये तो बात बीच में आ गई, ये सीक्रेट की जो मैंने बताना चाहा, जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए था। हाँ, लेकिन शराब पीनी नहीं चाहिए, अल्कोहल बहुत बुरा होता है, अल्कोहल को कभी नहीं। वैसे तो आजकल सभी दवाइयों में अल्कोहल पड़ता है। आप सबको मैं समझा दूं, ये जो शनिदेव, ये बर्फ होती है शनिदेव, शनिदेव क्या करती है मालूम है आपको? खून को जमा देती है। ये शीतलहर खून को गर्म नहीं करती, और जो गर्मी का कारक होता है वो है मंगल। मंगल और शनि का मेल, मंगल और शनि का मेल जहाँ भी होता है तो क्या होता है पता है? मंगल और शनि का जब भी मेल हो जाता है तो ऑक्सीजन, खून का उबाला बाहर आता है, खून बाहर निकलता है।
इसीलिए मंगल और शनि का मेल कभी भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि हमारा जो खून है धीरे धीरे ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है जब हम कभी बर्फ में जाते हैं, अगर बर्फ वाले पानी में जाते हैं तो और भी बुरा होता है, क्योंकि शनि चंद्र और मंगल का मेल हो जाता है। चलो ये तो मिश्रण की बातें आती हैं, आज हम बात करेंगे शनिदेव के ऊपर। बहुत बढ़िया ग्रह है, बहुत सुंदर ग्रह है, देखिए बर्फ कितनी सुंदर लग रही है ग्लेशियर। लेकिन अगर शुक्र की बात करें, वीनस की बात करें, तो फिर ये शुक्र सफेद कलर है, वीनस है। फिर सब माफी चाहती हूँ, शुक्र से याद आया है, जो हमारा उपल स्टोन होता है ये भी शुक्र ग्रह ही है। तो जो आप बोलते हैं कि ये बर्फ से निकलता है, क्या ये यहीं से निकलता है? हाँ, बहुत अच्छा पूछा आपने कि ये जो बर्फ से बनता है क्या ये उपल स्टोन ऐसे ही होता है। हाँ, जब कभी बर्फ लाख साल बाद वो बर्फ जम जाती है, तो जितनी बर्फ जमी जाती है, जितना पुरानी बर्फ होती है वो जम जाती है, वो उपल का स्टोन का रूप धारण कर लेती है। जितने भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बर्फ ज़्यादातर जमी, जितनी भी पुरानी है वो ऑस्ट्रेलियन बर्फ, जितने भी ऑस्ट्रेलियन उपल आते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। चलो बातों बातों में बात आई, इन्होंने बहुत अच्छा पूछा क्वेश्चन है कि बर्फ से उपल बनता है। देखिए कैसे बनता है, जब बर्फ बहुत ज़्यादा शनि का प्रभाव हो जाता है तो शुक्र का प्रभाव बन जाता है, इसलिए वो क्या बनता है, जम जाती है। उससे क्या होता है, उससे हमारा शुक्र उपल ग्रह बन जाता है, शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। जो इंसान उपल स्टोन डालते हैं उसका शुक्र एक्टिवेट होता है। देखिए कैसे बनता है उपल, आज आपको उपल के बारे में पता चल गया कि उपल कैसे बनता है। चलो आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। यहाँ पे धूप बहुत है और मेरी आंखें बंद हो रखी हैं, क्योंकि बर्फ़ की रोशनी से सफ़ेदी आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे ऐनक पहननी चाहिए, जो ब्लैक ऐनक होती है। उससे क्या होता है कि आंखों की रोशनी है जो वो चमक नहीं दिखाई देगी। मुझे पता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य के साथ शनि आता है तो शनि की रोशनी, सूर्य की रोशनी धीमी पड़ जाती है। यहाँ पे ठंड बहुत है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। 13,300 फुट की ऊंचाई पे हम खड़े हैं, तकरीबन 13,300 फुट। यहाँ पे बोलना मना है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन, उन्होंने गाइड ने हमारे स्पेशल बोला था कि आप वहाँ पे कम बोलिए, हो सके तो बातचीत कम कीजिए। यहाँ पे लोग बहुत आए, सैलानी जितने आए साथ के साथ जा रहे हैं, और मेरी भी कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ आप सबको ये सारी जगह बताऊँ कि शनिदेव के बारे में। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला है कि कुंडली में अगर सूर्य शनि का प्रभाव हो तो सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कुंडली में सूर्य शनि का मेल हो, आप कहते हैं कि पिता पुत्र की नहीं बनती, क्या हस्बैंड वाइफ की भी नहीं बनती? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने पुष्पाली जी, क्या पिता पुत्र की नहीं बनती, क्या हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती? बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि मंगल बद्ध हो जाता है हस्बैंड वाइफ के, जब जो संबंध होते हैं उसमें बच्चा पैदा होता है, उसमें मंगल कार्य होते हैं, मंगल बद्ध होता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, इसलिए पिता पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती। उसके आगे पुत्र और उसकी जो पत्नी आएगी उसकी भी नहीं बनेगी। यानी कि देखिए ये सूर्य शनि का मेल कहाँ तक बैड इफेक्ट करता है, बुरा प्रभाव देता है। और जो ग्रह शनिदेव और सूर्य जब बुरे हो जाते हैं तो घर में मंगल कार्य नहीं होते। घर में कोई भी, अगर हम मंगल कार्य करने चलते हैं तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में कभी औलाद नहीं होती। जब सूर्य शनि का मेल होता है, सूर्य और शनि का मेल बहुत कुछ करता है, लेकिन यहाँ पे मैं सब शनि की बात करूँगा। हो सकता है कि सूर्य शनि लग्न में बैठे हो, उसका अलग प्रभाव होता है, पिता जल्दी चला जाता है। सूर्य शनि दूसरे घर में बैठे हो, उसका अलग प्रभाव होता है, दाइयाँ कमज़ोर हो जाती है। सूर्य शनि तीसरे भाव में बैठे हों, उसका प्रभाव अलग हो जाता है, भाई नहीं होते। अगर भाई होते हैं तो शुरू से ही परेशान, बीमार, या उनसे परेशानी रहती है, ट्रैवल करने से परेशानी आती है, हर तरफ से परेशानी आती है, भाग्य उदय नहीं हो पाता। चौथे घर में आ जाए तो सुखों की कमी रहती है। वो अलग अलग प्रभाव है, कौन से घर में किसका प्रभाव कैसे रहता है। और अगर ग्रहों का मेल देखिए तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, जैसे कि सूर्य शनि का मेल, जैसे कि मैंने बताया शनि और शुक्र का मेल बदनामी देता है। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि सूर्य शनि का मेल होता तो मंगल बद्ध हो जाता है, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय हो जाए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। हाँ, बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी। मंगल बद्ध का उपाय मैं सबको बताता हूँ। मंगल जो बद्ध होता है उसका उपाय होता है, मीठी रोटी आप बनाइए मंगलवार को और शनिवार को काले कुत्ते को खिलाइए। इससे क्या होगा, मंगल बद्ध है जो वो खत्म हो जाता है। ये प्रोफेसर साहब क्या हर कोई कर सकता है या कुंडली दिखानी ही पड़ेगी कि कौन से राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है? ये चीज़ें हम कुंडली देख के ही
कुंडली देख के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, ये चीज़ें हम कुंडली देख के बताएंगे कि वाकई में कि मंगल भद्र अगर पंचम घर में पड़ा है तो हो सकता है कि मैं नारियल दबतूँ, नारियल के ऊपर सरसों का तेल लगवाऊँ उसके लिए, या शनि की पोटली बनाऊँ। बहुत से ऐसे उपाय हैं जो मैं बताता रहता हूँ। प्रोफेसर साहब, अभी आपने एक और बोला था, शुक्र और शनि का अगर मेल हो जाए तो कहते हैं कि बदनामी होती है, लेकिन मैंने कहीं लाल किताब में पढ़ा था कि गुरु और शुक्र का मेल हो तो तभी बदनामी होती है, तो आपने बोला शनि और शुक्र का मेल हो तो बदनामी होती है। तो अगर शनि के साथ, मान लीजिए आपने नीलम पहना हुआ है, उसके साथ आपने उपल भी पहन रखा है, तो क्या ये बदनामी योग करवाता है? शुक्र और शनि का मेल हो तो बड़ी, क्या अगर लड़का है, लड़के की कुंडली में शुक्र और शनि का मेल है तो उसका बड़ी स्त्री के साथ संबंध बनता है। बहुत ध्यान सुनिए, अगर लड़की का है शुक्र और शनि का मेल तो उसका बड़े बंदे की यानी कि 15-20 साल का बंदा होता है उसके साथ है, रिश्ते जोड़ते हैं, तो उससे पता क्या होता है, बदनामी होती है। ये मैंने बरीकी में बताया, थोड़ा ये साइंटिफिक रीजन से बताया मैंने, लेकिन और भी साइंटिफिक रीजन से बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो कुंडली देख के पता चलता है कि बदनामी किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, शुक्र शनि को देख रहा है या शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, वो अलग बात है। अगर बीच में बुध आ जाए तो बदनामी का योग थोड़ा सा कम आ जाता है, अगर उसे गुरु की दृष्टि बढ़ जाए तो वो ज्ञानी बंदे होते हैं, वो अलग बात है कि कौन से ग्रह कैसे कैसे। प्रोफेसर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं ग्रहों के ऊपर कि शुक्र और शनि आमने सामने देख रहे हो या गुरु शुक्र का मेल हो, क्या प्रोफेसर साहब हम अपने बच्चों की भी कुंडली दिखा सकते हैं जो 14 साल से नीचे होते हैं, कि हमें उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चा आगे ऐसा ना करे, कोई बदनामी ना हो, वो स्टडी में अच्छा हो, क्या ये कुंडली दिखाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, जब भी कुंडली दिखाते हैं हम तो बच्चों की कुंडली में ऐसा योग बन जाता है। जब हम कहीं बुरा ग्रह आते हैं तो मंगल पद का योग होता है बच्चों की कुंडली में, जब कभी हम मंगल बुध के योग एक नहीं, मंगल और बुध का मेल हो जाए तब भी मंगल खराब हो जाता है, मंगल और राहु का मेल आ जाए तब भी मंगल खराब हो जाता है, मंगल के साथ अगर कोई मंगल का दुश्मन ग्रह आता है तो मंगल बुध योग बनता है। बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिससे मंगल बुध योग बनता है लेकिन घर में मंगल कार्य नहीं हो पाते। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा हर एपिसोड में। यहाँ पर सर्दी बहुत है और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी एपिसोड खत्म करूँ, जल्दी नीचे जाऊँ, यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी सी मिल जाए हमें, हमें पानी की प्यास लग रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, -3 डिग्री टेम्परेचर है, हालांकि जुलाई का महीना है और इंडिया में जुलाई का महीना मान लीजिए हमारा टेम्परेचर, हमारे अगर पंजाब की बात करें तो 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ का टेम्परेचर -3 डिग्री के करीब है। तो प्रोफेसर साहब, अगर अभी आपने बोला है कि बच्चों की कुंडली दिखा लेनी चाहिए, क्या जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती क्या वो कुंडली नहीं दिखा सकते? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती वो कुंडली नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हैं। मैं सबको बताता हूँ, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती उसे क्वेश्चन कुंडली निकल जाती है, एट प्रेजेंट कुंडली निकलती है, मैं बनाता भी हूँ, और जिसकी थोड़ी मोटी अंदाजा डेट ऑफ बर्थ होती है उसके तो फिर मैं बना ही देता हूँ कि उसकी शादी कब हुई थी, कैसी हुई थी, वो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसकी कुंडली तभी निकल जाती है। बहुत सी ऑप्शन होती हैं कुंडली बनाने की, जैसा कि क्वेश्चन कुंडली निकाली, नमांशी निकाला, नमांशी कुंडली बन गई, वो अलग अलग तरीके होते हैं, जैसा कि आप किस तरीके से मेरे पास आए, किस व्यू से मेरे पास आए, उस तरीके से मैंने अपना दिमाग लड़ाया, आपसे क्वेश्चन पूछे और आपकी नमांशी कुंडली निकाली या क्वेश्चन कुंडली से निकाली या आपकी शादी डेट से कुंडली निकाली, वहीं से कुंडली निकला। प्रोफेसर साहब, आज आपने ग्रहों के बारे में बहुत अच्छा बताया और ये भी बताया कि बच्चों की कुंडलियां भी दिखा सकते हैं और जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती वो भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर गुरुदेव अरोड़ा साहब जो के पास जो भी आता है वो पॉजिटिव हो ही जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। जो कि आज तक विष्णु भगवान के रूप में लक्ष्मी जी को पेश किया है। मैंने एक वादा भी किया था, मैंने कहा था कि इसमें जो जो मैंने धातुओं डाली है, पहले मैं आपको इसको धातुओं का थोड़ा सा वर्णन बता दूं, तब के आपको पता चले कि कौन सी धातु किसके लिए होती है। ये जो गोल्ड, शुद्ध गोल्ड प्लेटेड मैंने किया है, ये है सूर्य की धातु। शुद्ध गोल्ड सूर्य का होता है, मिशन गोल्ड गुरु का होता है, ये आज तक नहीं पता। किताबों में तो लिखा है गोल्ड गुरु का होता है लेकिन गोल्ड के बारे में बताया ही नहीं गया, ये शुद्ध गोल्ड सूर्य का बताया गया है। लेकिन ये पूरी धातु ब्रास की है, पीतल की, ये पीतल जो होता है ये गुरु की धातु मानी गई है। इसमें कुछ चीजें मैंने चांदी की डाल रखी है, चांदी जो होती है लक्ष्मी का कारका होता है। इसमें मैंने जो की लगा रखी है वो कॉपर की लगा रखी है।
कोपर जो होता है मंगल का कारक होता है। वैसे मंगल सूर्य को भी कोपर बोला जाता है, लेकिन भाई सूर्य की कोपर धातु नहीं होती, सूर्य की शुद्ध धातु होती है 24 कैरेट सोना। लेकिन इसके ऊपर जो कोपर के मैंने बना रखे हैं, जो कील लगा रखी है, वो है मंगल की धातु। थोड़ा सा कांसे का मिश्रण किया गया है, लोहे का मिश्रण जो नीचे से, क्योंकि मैं पूरा ये चाहता था कि इसमें सभी ग्रहों की आशीर्वाद हो, सभी ग्रहों का, ये नहीं कि मैंने एक धातु से मैंने बना दिया और आपको वो चीज दे दी। इसकी पॉजिटिविटी मैं आपको साइंटिफिक रीजन से यहां पे बताऊंगा कि कितनी पॉजिटिविटी देती है, वो मैंने मशीनें मंगा रखी हैं, आपको पता चलेगा कि इसके में जो धातु है, जो लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, कितना इसके में इसमें पॉजिटिविटी है। इसको घर रखने से ही पॉजिटिविटी आती है। लक्ष्मी जी हमेशा आज तक आपने बैठे हुए रूप में देखे हैं, लेकिन छैया के रूप में बिल्कुल नहीं देखे। आज मैंने जो ये रूप बनाया है, लेकिन उठने को और बैठने को वक्त लगता है। जो ये प्रतिमा रखेंगे उनके घर में लक्ष्मी का सदैव वास हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ कि भगवान करे आपके घर में ये वास हमेशा रहे। और जब कहते हैं ना दुख दरिद्र बीमारी, ये लक्ष्मी जी से ही दूर होते हैं। कहते हैं जिस पंजाबी दी फिर कहावत मैं जरूर बोलूंगा लाहौर दी, क्योंकि मैं पीछे से लाहौर का हूँ, कहते हैं जिसकी झोली दाने उनके कमले भी सियाने, पुरानी कहावत है साड़ी। इस करके जो लक्ष्मी जी का जहां पे जिसके पास पैसा होगा उस पे पास कहां दुख कहां दर्द कहां रहेगी बीमारी, सब दूर हो जाएगा। यही मैंने 15 साल की खोज आपके सामने पेश की है। धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित है, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महत्व अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा निराशा गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।